नमस्कार बच्चों, सामाजिक विज्ञान की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास में संकलित अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। आज हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र आपको आपकी पुस्तक से परिचित कराता है और दूसरा चित्र आपको आपकी पुस्तक में संकलित अध्ययन सामग्री से आपको परिचित कराता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले बच्चों, आप इसमें दो अध्याय और देख रहे हैं। पहला जो अध्याय है वो सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। बच्चों, आज का जो अध्याय है इसको पढ़ने से पहले आपको पहले दो अध्यायों की जानकारी होना अति आवश्यक है। यूँ तो हमारी पहले अध्याय और दूसरे अध्याय पर आपको वीडियो मिल चुकी होंगी, लेकिन आज हम पहले दो अध्यायों में संकलित ज्ञान को जानेंगे। तो पहले हम सौर मंडल, सूर्य, ग्रह और उपग्रह की जानकारी हासिल करते हुए तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो सौर मंडल है, ये इसमें सूर्य का बहुत मुख्य स्थान है। बच्चों, अगर आप रात के समय आकाश में नज़र दौड़ाओ तो आपको बहुत सारे असंख्य तारे नज़र आएंगे। इन्हीं तारों में से एक तारा है सूर्य। बच्चों, आपके भ्रम को यहाँ दूर करना चाहूँगा कि सूर्य एक तारा है। आकाश में करोड़ों संख्या में असंख्य तारे आपको जगमगाते नज़र आएंगे। इन सभी तारों के अपने अपने परिवार हैं जिन्हें हम मंडल बोलते हैं। ऐसे सूर्य का भी अपना परिवार है जिसे हम सौर मंडल बोलते हैं। बच्चों, ये उसी तरह से है जैसे अगर आप किसी गांव में घर देखें तो बहुत सारे घर होते हैं। उन सभी घरों में एक मुखिया होता है और घर के बाकी सदस्य उसी मुखिया के इर्द गिर्द रहते हैं। इसी प्रकार से हर एक तारे का एक परिवार है और हर तारा अपने परिवार का मुखिया है। और ज्ञात जानकारी के अनुसार सूर्य हमारे इस सौर मंडल परिवार का मुखिया है। और बच्चों, सौर मंडल परिवार में ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड आदि आते हैं। तो इसमें पृथ्वी, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और सौर मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। अब आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र से आप भली भांति परिचित होंगे। ये चित्र सौर मंडल का है। इसमें आप ग्रहों को सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित दिशा में एक दूरी पर स्थित देख रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहला ग्रह आप देख रहे हैं बुध है, फिर शुक्र है और पृथ्वी तीसरे नंबर पर स्थित है। पृथ्वी इस परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि अभी तक किसी और ग्रह पर जीवन के आसार नहीं मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल उचित दूरी पर स्थित है। बच्चों, सूर्य से जो सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे परिवार का हर सदस्य परिवार के मुखिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब आप इस चित्र में देखिए कि किस प्रकार से पृथ्वी ना तो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है और ना बहुत नज़दीक है। पृथ्वी की ये जो स्थिति है, इसी के कारण पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह कह सकते हैं क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, बाकी ग्रह भी इसी प्रकार से एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो बच्चों, आइए आज हम जो आज का अध्याय है पृथ्वी की गतियाँ, इसको जानते हुए पृथ्वी की गतियों को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इन गतियों से पृथ्वी के ऊपर क्या परिवर्तन आते हैं और जीवन या मौसम या दिन रात का इसके ऊपर क्या प्रभाव है। तो हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर
एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। चित्र 3.1 ये हमें पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दिखाता है। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो कि पृथ्वी का कक्षीय समतल जो है वो 66.5 डिग्री पे झुका हुआ है। बच्चों, यह अपने पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब से 23 डिग्री से हटकर है। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। बच्चों, चित्र में आप विषुवत वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात बनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शुरू में ये माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, परंतु प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, पृथ्वी की दूसरी गति का अध्ययन करते हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे दैनिक गति से दिन रात बने हैं, तो इस गति का संबंध पृथ्वी पर किस बात से है। तो दूसरी गति सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 1/4 भाग यानी 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बच्चों, यह दीर्घ वृत्त क्या है? पहले हम यह समझ लें कि यह वृत्त से कैसे भिन्न होता है। आओ इसे हम इस चित्र की सहायता से जानें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घ वृत्त होगी। बच्चों, दीर्घ वृत्त के पश्चात अब एक और चित्र 3.3 को दोबारा देखेंगे और समझेंगे कि चित्र में पृथ्वी को सूर्य के संदर्भ में पूरे वर्ष में चार महत्वपूर्ण स्थितियों में
भिन्न भिन्न तिथियों के साथ दिखाया गया है तथा उन स्थितियों के नाम भी रखे गए हैं और साथ में ऋतुओं के नाम भी देखे जा सकते हैं। आइए इस चित्र का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, जिसका प्रभाव पृथ्वी के वार्षिक तापमान वितरण में अंतर के रूप में देखने को मिलता है। वर्ष के 365 दिनों में तापमान में बदलाव आ जाने के कारण हम मौसम में विभिन्नता पाते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में ये परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप यह भी देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। बच्चों, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका दिखाई दे रहा है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, जिसे हम विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ बच्चों, अब हम अपने इस अध्याय का थोड़ा अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? बच्चों, इसका उत्तर है 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो बच्चों, जैसा कि हमने अध्याय में जाना कि घूर्णन पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना है। ये घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं एवं परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाना है, जिस कारण ऋतुओं में परिवर्तन आते हैं। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? बच्चों, हमने अध्याय में जाना कि पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति का पूरा एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में करती है। ये जो अतिरिक्त 6 घंटे हैं, ये हम हर 4 साल बाद एक दिन के रूप में फरवरी में जोड़ते हैं, तो उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है,
तो इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। अगले प्रश्नों में बच्चों आपको सही उत्तर को चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। क घूर्णन, ख परिक्रमण, ग झुकाव। तो बच्चों इसका उत्तर है ख परिक्रमण। अगला प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? क 21 मार्च, ख 21 जून, ग 22 दिसंबर। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 22 दिसंबर को उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो हमारा उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि जो परिस्थितियाँ उत्तरी गोलार्ध में जिन दिनों होती हैं उसके विपरीत ऋतुएँ दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। तब जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो अगर हम क जापान देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, ख भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, ग ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ग ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? क घूर्णन, ख परिक्रमण, ग गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ख परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी पर होता है। अगले प्रश्नों में बच्चों हम खाली स्थान भरेंगे, आओ रिक्त स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या रिक्त स्थान होती है। बच्चों जैसा हमने जाना कि लीप वर्ष हर चार वर्ष बाद आता है और उसमें दिनों की संख्या 366 होती है, क्योंकि उसमें जो अतिरिक्त 6-6 घंटे का समय जोड़ के हम एक दिन बना लेते हैं, तो इसमें हम 366 भरेंगे। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को रिक्त स्थान कहते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति जो 24 घंटे में पूरी होती है उसे घूर्णन कहते हैं, अतः इसमें हम घूर्णन भरेंगे। तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिक्त स्थान कक्षा में घूमती है। बच्चों हमने जाना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमती है, तो यहाँ पर हम एक स्थिर भरेंगे। अगला प्रश्न, 21 जून को सूर्य की किरणें रिक्त स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो हमने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और सबसे बड़ा दिन भी उत्तरी गोलार्ध में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जिस रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती हैं वो कर्क रेखा है, इसीलिए इस रिक्त स्थान में हम कर्क लिखेंगे। बच्चों अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में हम देखते हैं कि छोटे दिन शीत ऋतु में होते हैं, तो यहाँ पर हम शीत लिखेंगे। बच्चों आओ कुछ करने योग्य बातें जानें जो आपने खुद अपने आप करनी है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। और बच्चों प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से श्रेणीबद्ध कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न है, किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? और दूसरा प्रश्न है, किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? तो बच्चों आपने आज के इस अध्याय में पृथ्वी की गतियों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक जाना, और आशा करता हूँ कि आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में और उनसे होने वाले परिवर्तनों के बारे में ध्यानपूर्वक सुना होगा। बच्चों अब आपको दिन और रात क्यों बनते हैं और ऋतुओं के बनने के पीछे
क्या कारण हैं। तो बच्चों, हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।